बारिश के मौसम में चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म सा तला हुआ नाश्ता हो जाए तो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए आज वैसे ही एक नाश्ता बनाते हैं जिसको आप प्रायोर में बना के रख सकते हैं और जब भी मन चाहे तल के खा भी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा पार्टी स्टार्टर भी है। दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल सामंस तवा पर। तो वीडियो देख लीजिएगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो इसको बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून जो नॉर्मल हमारा बटर है ना उसको लिया है और इसको पिघलाएंगे, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। इसमें हम डालेंगे करीब 6 टेबलस्पून मैदा, और मैदा डालने के बाद बिल्कुल फ्लेम को लो करेंगे और उसी में भूनेंगे। ये करीब 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इससे एक बहुत अच्छा नटी सा स्मेल आता है, एरोमा आता है। तो तब तक आपको पता चल जाएगा कि मैदा अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लोएस्ट पे रखा है मैंने फ्लेम को, और तब उसमें हम डालेंगे 3/4 कप मिल्क। इसको ग्रेजुअली हमको डालना है, धीरे धीरे करके डालना है और मिलाते जाना है। इसको एक डो फॉर्म में लेके आना है हमको, तो थोड़ा सा सॉफ्ट सा जैसे उपमा का डो होता है ना, बिल्कुल वैसा बनेगा ये थोड़ा सा। और इसको वही धीमी आंच के ऊपर ही पकाते जाएंगे, तो यही प्रोसेस जो है ना कम्प्लीटली तो 7 से 8 मिनट लगता है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून करीब चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून गार्लिक का ग्रैन्यूल्स, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है पिज्ज़ा सीजनिंग। अगर गार्लिक ग्रैन्यूल्स आपके पास नहीं है, आप फ्रेश गार्लिक को चॉप करके डाल सकते हैं, और या तो फिर ओरिगानो भी डाल सकते हैं इसमें। तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप अमेरिकन कॉर्न, जो स्वीट कॉर्न होता है ना पैकेट में जो आता है उसको लिया है, और इसको हम पीसेंगे अभी। इसको दरदरा ही पीसना है हमको, बहुत महीन नहीं पेस्ट बनाना है। और मैंने ना इसको फ्रीजर से निकाल के थोड़ी देर ऐसे ही बाहर छोड़ दिया था, तो इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सूख गया था। तो ये देख सकते हैं ये भी हमारा ठंडा हो चुका है, जो हमने मैदा का मिक्सचर बनाया था। इसमें अभी हम ये कॉर्न जो दरदरा पीस के निकाले हैं ना इसको डालेंगे और मिलाएँगे अच्छे से। अभी मैंने यहाँ पर लिया है ब्रेड क्रम, ये स्टोर से बाय किया हुआ, बेकरी से बाय किया हुआ ब्रेड क्रम है। घर पे बनाया हुआ ब्रेड क्रम से ये अच्छा नहीं बनता है, तो ब्रेड क्रम मैंने लिया है करीब 1/2 कप। तो इसको अच्छे से मिलाएंगे, और इसको हमको डो फॉर्म में लेके आना है। इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा नमक, बटर हमारा सल्टेड बटर हमने यूज़ किया था तो थोड़ा सा ही नमक डालना है। तो मेरे को डो जो है ना वो थोड़ा सा ड्राई लगा, इसीलिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मिल्क। इसमें मिला रही हूँ करीब 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क मैं मिला रही हूँ, जैसे कि ये थोड़ा सा डो फॉर्म में आ जाए। आप देख सकते हैं डो होने के बाद इसको रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे, और फिर इसका शेप हम बनाएंगे। तो एक टुकड़ा मैंने ले लिया है करीब लेमन साइज़ का, और हाथ में थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है यहाँ पे, और ये जो पोर्शन है इसको ऐसे शेप करना है हमको, जैसे बनता है ना मेरा क्रॉकेट जैसे बनता है बिल्कुल वैसा। और यहाँ पे मैंने लिया है मोज़रेला चीज़, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो प्रोसेस्ड चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो इसको भरेंगे अंदर थोड़ा सा, और इसको बिल्कुल ऐसे सिलिंड्रिकल शेप देंगे, तो ये हमारा क्रॉकेट का शेप बन गया, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। तो ऐसे सारा का सारा शेप्स पहले हम बना के रख लेंगे। तो ये जो है ना इसको आप बना के 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आगे देखिए वीडियो में बताती हूँ आपको कैसे स्टोर करके रखना है इसको। तो ये सारा का सारा क्रॉकेट का शेप हमारा बन गया। तो इसको डिप करने के लिए हम चलिए बनाते हैं एक स्लरी। यहाँ पे स्लरी बनाने के लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसी चम्मच में मैंने लिया है, ये जो चम्मच मेरे हाथ में देख रही है करीब 1 टेबलस्पून ही है ये, तो 3-3 टेबलस्पून इच से मैंने लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक, और मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको इसमें पानी डालना है। बहुत पतला स्लरी नहीं बनाना है, आप देख सकते हैं चम्मच के पीछे ये थोड़ा सा थिक है स्लरी। तो स्लरी हमारा बन गया। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम भी लिया है कोटिंग के लिए। तो ये जो क्रॉकेट है इसको पहले हम डालेंगे स्लरी में, तो कोट कर लेंगे स्लरी में इसको पहले अच्छे से कोट करने के बाद इसको डालेंगे क्रम में, ब्रेड क्रम में, और क्रम अच्छे से कोट करेंगे। दूसरे हाथ से कोट करिएगा वरना ये हाथ में चिपक सकता है। तो इसको कोट करने के बाद एक साथ एक कोटिंग हो गया सारे के सारे क्रॉकेट्स के ऊपर, इसको फिर से हमको कोटिंग करना है। तो सेकेंड कोटिंग के बाद इसका जो है ना शेप भी बरकरार रहेगा, ये फटेगा भी नहीं,
और बहुत अच्छा क्रंची सा एक टेस्ट आएगा जब आप फ्राई करेंगे। तो ये बनाने के बाद ना हमको फ्रीज में डाल के रखना है करीब एक घंटा। तो इसको मैं डाल रही हूँ फ्रीज में एक घंटा। इसी कंडीशन में आप इसको एयरटाइट बैग में, जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीजर में डाल के रख सकते हैं महीने भर तक, और जब भी मन चाहे तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्राई करके। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल जो कि मीडियम हीट के ऊपर है। इसमें पहले हम एक क्रॉकेट डालेंगे और उसको फ्राई होने देंगे, तो थोड़ा सा टाइम छोड़ेंगे, आधा मिनट के बाद ही हम दूसरा वाला क्रॉकेट डालेंगे इसमें। तो हर क्रॉकेट डालने के बाद इसको अचानक से मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 3 से 4 मिनट लगता है एक एक क्रॉकेट फ्राई होके निकलने में, आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे ही इसको उल्टा पुल्टा करके फ्राई कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, गोल्डन कलर हो जाएगा। तो अंदर तक फ्राई होना बहुत ज़रूरी है, कुक होना बहुत ही ज़रूरी है इसका। तो एक साथ बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा कढ़ाई में। तो ये क्रॉकेट आप कोई भी पार्टी स्टार्टर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है ये, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही चीज़ी बनता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ चुका है, और बाहर का जो पोर्शन है ना बहुत ही क्रंची बना है। मैं एक तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, अंदर का जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो चुका है, बहुत ही चीज़ी लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है। आप इसको सर्व कर सकते हैं कोई भी डिप के साथ, सॉस के साथ। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये रेसिपी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद वन मोर न्यू रेसिपी। टिल देन बाय बाय।